हम आप पहुंचे हैं एक व्यंजन की स्टॉल पर जो हमारे गोहाना सोनीपत से आए हुए हैं। मोटी जलेबी का बहुत ज़्यादा जायका रहता है। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ पर लोग उनके जो व्यंजन बना रहे हैं वो कैसा उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हम सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आप गोहाना से आए हुए हैं? हाँ, गोहाना से आए। कैसा लुत्फ उठा रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत बढ़िया चल रहा है ये प्रोग्राम। कैसा मतलब आपको रिस्पांस आता है? हर बार आप हर बार आते हैं? हर बार आते हैं जी। तो कैसा रिस्पांस रहता है? सही रहता है। क्षेत्र के लोग या देश विदेश से जो लोग आते हैं आपके जायका लेते हैं? हाँ, जायका लेते हैं। यहाँ गर्म दूध तैयार हो रहा है यहाँ पर। और एक अगर बात करें हम तो ये मिट्टी के जो गिलास है इनसे दूध पिलाया जाता है लोगों को। और एक एक पुरानी परंपरा है जो वो दिखाई जा रही है। एक जलेबी का साइज या मैं दिखाऊँ कहूँगा साइज से कि एक बार दिखाएंगे जलेबी का साइज। ये बहुत बड़ी जलेबी, अगर एक खाए आदमी तो इसी में ही उसका पूर्ण रूप से हो जाता है। हालांकि हम तो इसको लेते हैं और ये हमारे स्टॉल है कि जो खाने पीने का जायका लोग ले रहे हैं यहाँ से। और हमारे बीच एक अंकल जी मौजूद हैं तो यहाँ से बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए अंकल आप? मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, केवी खुराना। अच्छा जी, कैसा लगता है आपको अंकल गीता जयंती का उत्सव? हम तो हर साल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि रोज आते हैं। आपका तो अंकल आप बुजुर्ग हैं, पुराना एक्सपीरियंस है। आप और कुछ कुरुक्षेत्र के बारे में, गीता जयंती के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नहीं, यहाँ हर तरह का प्रोग्राम है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।